नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। कानपुर नगर में आईसीयू बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में समस्त प्राइवेट कोविड फैसिलिटी को 20 सितंबर तक आईसीयू बेड की क्षमता बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसका औचक निरीक्षण करने हेतु जिलाधिकारी ने रीजेंसी गोविंद नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि जो I0C0U0 बेड की क्षमता कुल 60 बेड किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसको अस्पताल प्रशासन द्वारा आज पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने विशेषज्ञ डॉक्टर के विषय में जानकारी की तो अस्पताल प्रशासन द्वारा बताया गया कि 2 निश्चेतक डॉक्टर तथा 3 M0D0 मेडिसिन उपस्थित थे, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि अगले 4 दिनों में शेष 1 निश्चेतक तथा M0D0 मेडिसिन की और नियुक्ति कर ले। जिलाधिकारी अधिकारी हॉस्पिटल निरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी ने दिया जानकारी। वाजिद खान की रिपोर्ट। सर आज किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम लोग वो जैसे फैसिलिटी विजिट करते हैं, इसी क्रम में आए हैं। इसके अलावा एक शासन से यह टारगेट था कि इसको आज 20 तारीख तक अपने आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाकर 60 कर देंगे, 60 बेड कर देंगे। तो उसको देखने आए थे प्रोग्रेस क्या है। यहाँ पर जो 60 बेड बढ़ाकर 60 बेड कर दिया है, 63 और उसमें 56 ऑक्यूपेंसी है, 56 लोग ऑलरेडी एडमिट हैं। पिछले 9 दिन से कोई डेथ नहीं हुई है ऐसा रिपोर्ट किया गया है। हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने बताया कि फिलहाल कोई बिल की शिकायत भी नहीं है, तो ठीक है, सिचुएशन इम्प्रूव कर रही है। हालांकि अभी इम्प्रूवमेंट और जरूरी है। CMO साहब ने बताया कि मानक के अनुसार जो डॉक्टर चाहिए उनमें बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन पूरा मानक अभी अचीव नहीं हुआ है। तो इनको दो बातों पर ध्यान देना होगा, एक तो मानक के अनुसार डॉक्टर पूरे हो जाए और दूसरा बिलिंग की कोई शिकायत आगे ना आए, ताकि मरीजों का अच्छा इलाज आगे दायित्व में बढ़ाए जाए। तो इसके अलावा जो मानक के अनुसार डॉक्टर थे उनमें और कमी थी। कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ कमी पाई?